हम बनाने जा रहे हैं यूपी बिहार की फेमस घाटी, जिसे हम लिट्टी भी कहते हैं। तो चलिए इसे अब बनाना स्टार्ट कर देते हैं। मैं हूँ किरण और किरण की रसोई में आपका स्वागत है। तो चलिए बनाने ले लिया है 250 ग्राम सत्तू, जो भुना हुआ चना है ये, और हमने थोड़ा सा हरी मिर्च काट लिया है, थोड़ा सा अदरक लिया है, थोड़ा सा हमने धनिया लिया है। तो चलिए चलिए इसे अब बना लेते हैं। तो हमने यहाँ पे ले लिया है भुना हुआ अजवाइन और कलौजी, जो हमने इसे पीस लिया है दरदरा, और इसको भी डाल देते हैं। अब हम इसमें धनिया डाल देंगे कटा हुआ। अब हम इसमें लाल मिर्च का अचार ऐड करेंगे। आप चाहे तो अमचूर ऐड कर सकते हैं, आम का खटाई जो होता है उसको यूज़ कर सकते हैं। थोड़ा सा हम इसमें नमक डालेंगे स्वाद अनुसार, और इसे अच्छी तरह मिला लेंगे। तरह से हमें मिलानी है। अब हम इसमें डालेंगे 2 चम्मच सरसों का तेल, और इसे अच्छी तरह मिला लेंगे। थोड़ा सा हींग डालेंगे और इसे अच्छी तरह मिला लेते हैं। और देखिए, अब हम इसमें डालेंगे कटा हुआ बारीक प्याज, इसको भी अच्छी तरह डाल के मिला लीजिए। हमने लिया है यहाँ पे 1 किलो आटा, और ये गेहूँ का आटा है, और इसमें हम डालेंगे नमक, आप चाहे तो मैदा भी डाल सकते हैं इसमें, और सख्त आटा गूँथ लेंगे, जैसे हम रोटी का गूँथते हैं उस तरह से। और देखिए यहाँ पे हमने गूँथ लिया है। तो चलिए अब बना लेते हैं। तो इस तरह से आप लोई लीजिए, और इस तरह से कटोरी का शेप दीजिए रोल करके, और इसमें जो आपने स्टफिंग बनाया है उसको भर दीजिए, और इस तरह से अंगूठे से अंदर करते हुए अच्छे से दबाते हुए घुमा लेंगे। और देखिए यहाँ पे हमारा लिट्टी बन के, घाटी जिसे बोलते हैं, वो बन के रेडी हो गया है। दूसरा भी इसी तरह बना लेते हैं, तो उसी तरह बनाएंगे हम इसे। तो देखिए ये भी बन के रेडी हो गया है। तो यहाँ पे हमने सारा बना लिया है। तो चलिए अब गैस की तरफ चलते हैं। तो हमने ले लिया एक पतीली और 1 लीटर पानी डाल के इसे उबलने के लिए छोड़ दिया था। तो हमारा पानी उबल गया है। अब एक एक घाटी इसमें डाल देते हैं। ज़्यादा मत डालिए, जितना स्पेस हो उतना ही डालिए, और इसे तब तक उबालना है जब तक ये फूल के थोड़ा ब्राउन ना हो जाए, इसका कलर बिल्कुल चेंज हो जाता है। तो देखिए यहाँ बिल्कुल चेंज हो गया है कलर, और ये पक गया है। तो इसे निकाल लेते हैं। अगर आप सफ़र में जाना चाहते हैं तो इसे डायरेक्ट तल के ले जाइए। और यहाँ पे हमने कढ़ाई रख लिया, तेल हमारा बिल्कुल गर्म है। तो इसमें घाटी डाल के और अच्छी तरह तल लेते हैं गोल्डन ब्राउन तक। तो इसे अब पलट लेते हैं। तो देखिए एक तरफ से सिक गया है, अब दूसरी तरफ हमने पलट लिया है। तो हमारा घाटी दोनों तरफ रेडी हो गया है। तो अब हम इसे निकाल लेते हैं, और देखिए हमने सारा घाटी निकाल लिया है, और बाकी जो बचे हैं उनको भी डाल देते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। तो चलिए हमने यहाँ पर थाली में निकाल लिया मिर्च जो था, उसको भी बीच में से काट के और इसे फ्राई कर लिया है। तो देखिए इस तरह से हमारी घाटी बन के रेडी हो गई है।